रांची उपायुक्त छवि रंजन ने आज बुंडू प्रखंड के तैमारा पंचायत के कई गांवों का दौरा किया। उपायुक्त ने लाह हुसैरहातू गांव में किसानों के खेत में जाकर लाह की खेती का निरीक्षण करते हुए किसानों से अपील की कि केसीसी के लिए विशेष कैंप लगाया जा रहा है और सरकार के द्वारा हर किसान को केसीसी से जोड़ने की योजना है, इसलिए किसान इसका लाभ उठाएं। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा नरेगा, सिंचाई और अन्य विकास योजनाओं की धरातल में क्या स्थिति है इसका भी जायजा लिया। अभी जो प्राथमिकता पे जो फील्ड में जो क्षेत्र में चल रहा है जिले में, वो ये है कि सभी किसानों के लिए अभी कैंप चल रहा है और किसी सी लोन से उनको आच्छादित किया जा रहा है। पीएम किसान का डिसबर्समेंट जो है वो टाइम पे किया जा रहा है। खरीफ फसल योजना की जो है वो जो वर्कशॉप होनी थी हो चुकी है। सीड का वितरण टाइम पे शुरू किया जा चुका है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है उसके तहत भी इस बार जो क्रियान्वयन जो है काफ़ी समय से पहले से शुरू किया जा चुका है। अदरवाइज हर साल जो है सैंक्शन होते होते ही सितंबर अक्टूबर हो जाता था, इस साल जो है सैंक्शन बहुत पहले हो गया और काम धरातल पे शुरू है, वही सब हम लोग देखने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग अपने जो जिला स्तर पर जो अनटाइड फंड और SCF फंड है उसमें भी जो भी राशि उपलब्ध हो रही है उसमें भी प्राथमिकता के आधार पर हम लोग किसानों के लिए सिंचाई पर हम लोग बहुत जोर दे रहे हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।